हरे कृष्णा। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा रानी की अनंत लीलाएं हैं, वह उन लीलाओं का वर्णन व श्रवण करने से पूर्व हमें राधा तत्व व श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी के प्रेम की पवित्रता से भिज्ञ होना चाहिए व पूर्ण विश्वस्त होना चाहिए कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं और श्रीमती राधा रानी हैं उनकी नित्य लीला संगिनी। वह एक ऐसी ही लीला को आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर के दर्द से कष्ट पा रहे हैं। श्री कृष्ण नारद मुनि से बोले, देवर्षि, आज मुझे बहुत सर दर्द है। यदि सूर्यास्त होने से पहले मैं उचित औषधि ग्रहण नहीं कर पाया तो मेरा जीवन संदिग्ध हो जाएगा। ये बात सुनकर देवर्षि नारद बहुत उद्विग्न हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपके उपचार के लिए किस प्रकार की औषधि की आवश्यकता है, कृपा कर मुझे बताएं। कितना भी कष्ट साध्य क्यों न हो, मैं आपके लिए वह औषधि संग्रह करके अवश्य लाऊंगा। कृष्ण ने कहा, मुझे अपने भक्तों के चरण कमलों के धूल की आवश्यकता है। यदि उस धूल को अपने सर पे लगा लूंगा तो तत्काल मेरा सर दर्द शांत होगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, ये तो बिल्कुल कठिन कार्य नहीं है। इस ब्रह्मांड में तो आपके अनंत भक्त रहते हैं। ऐसा कहकर अपने कार्य को आसानी से पूरा करने के लिए देवर्षि नारद पूर्ण विश्वस्त होकर सीधे कृष्ण की पटरानी रुक्मणी देवी के पास गए एवं उन्हें सब कुछ बतलाया। नारद मुनि बोले, कृष्ण सर के दर्द से कष्ट पा रहे हैं एवं उसका एकमात्र उपचार है अपने भक्तों के चरण रज को मस्तक पर धारण करना। हे द्वारकेश्वरी, कृपा कर तुरंत अपने चरण रज से कुछ धूलि कण दीजिए जिससे मैं अभी श्री कृष्ण के पास उसे ले जाऊं। इस पर रुक्मणी देवी ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, ये तो अत्यंत घोर चिंता का विषय है कि हमारे पति देव सर दर्द से पीड़ित हैं, किंतु मैं कैसे अपना चरण रज अपने स्वामी को दे सकती हूँ, ये अधर्म है, वे हमारे स्वामी हैं। मैं स्वामी के सर पर लगाने के लिए अपना चरण रज नहीं दे सकती। यदि हमारे पैर की धूलि का एक कण भी मेरे स्वामी श्री कृष्ण का स्पर्श करेगा तो मुझे निश्चित नरक यंत्रणा का भोग करना पड़ेगा। इसके पश्चात नारद मुनि सत्यभामा सहित अन्य रानियों के पास गए, किंतु रुक्मणी देवी की तरह एक ही कारण को देखते हुए कोई भी अपनी पद धूलि देने को राजी नहीं हुई। नारद मुनि सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा शिव आदि सहित सभी भक्तों के पास गए, किंतु श्री कृष्ण के सर पर लगाने के लिए कोई भक्त अपने चरणों की धूलि देने का साहस नहीं कर सका। सभी लोग नरक जाने से भयभीत हो गए। श्री कृष्ण है परब्रह्म, कैसे कोई उन्हें मस्तक पर लगाने के लिए अपना पद धूलि दे दे, ये कल्पनातीत है। और तब अपने कार्य में विफल होकर नारद मुनि द्वारका लौट आए। जब कृष्ण नारद जी के द्वारा जान गए कि कोई अपना पद धूलि देने के लिए तैयार नहीं, तब वे बोले कि क्या आपने व्रज की गोपियों से पूछा है। नारद जी ने कहा, नहीं, मैं व्रज के अतिरिक्त सब जगह गया। कृष्ण ने कहा, तो अब व्रज में जाइए और वहां जाकर गोपियों से मेरी आवश्यकता के विषय में बतलाइए। तब नारद मुनि तुरंत व्रज भूमि वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। वहां उन्होंने यमुना किनारे सखियों से घिरी हुई राधा रानी को देखा। द्वारका की ओर मुख करके बैठी हुई सभी कृष्ण के विरह में रो रही थी। जब उन्होंने नारद मुनि को देखा तो वे सब की सब बहुत ही प्रसन्न हो गई। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उन्होंने नारद जी का स्वागत किया और पूछा, हे देवर्षि, आप निश्चय ही द्वारका से आ रहे हैं, कृपा कर हमें बताइए हमारे प्राणेश्वर श्री कृष्ण कैसे हैं, उनका सब कुछ मंगलमय तो है ना। नारद मुनि ने उत्तर दिया, मेरे स्वामी श्री कृष्ण प्रातः काल से ही तेज सर दर्द से कष्ट पा रहे हैं। गोपियां ये सुनते ही अत्यंत चिंतित हो गईं। ओह नहीं, किंतु हमें बताओ कि कैसे हम इस रुख का उपचार करें। क्या कृष्ण ने आपको इस वृंदावन से कोई औषधि लाने के लिए भेजा है? श्याम क्या चाह रहे हैं हमसे बोलिए, हम लोग अभी उसका पता लगा देंगे। नारद जी बोले, हाँ, मेरे प्रभु ने कहा है कि यदि वे अपने भक्त की चरण धूलि प्राप्त कर लें तो वही उनके लिए एकमात्र औषधि होगी। किंतु मैं पूरे ब्रह्मांड के समस्त भक्तों के पास गया लेकिन कोई अपना पद धूलि देने के लिए राजी नहीं। हे व्रज गोपियों, कृष्ण यदि सूर्यास्त के पहले ये औषधि प्राप्त नहीं किए तो उनके प्राण संकट में पड़ सकते हैं।
तब श्रीमती राधा रानी कहती हैं, हे देवर्षि नारद, हम किस प्रकार के भक्त हैं? हम तो प्रभु के महान भक्त नहीं हैं, फिर भी यदि उन्होंने हमें अपना भक्त समझा है तो हम अपना पद धूलि देने के लिए तैयार हैं, किंतु आप इसे कैसे ले जाएंगे? नारद मुनि बोले, मैं बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ अपने मस्तक पर इसे ढोकर ले जाऊंगा। तब राधा रानी अपने चरण रज का धूल झाड़कर नारद मुनि को दे दी। इस तरह अपनी प्राण प्रिया सखी को उत्साहित हुई देखकर गोपियों ने भी अपनी पदरज नारद मुनि को दे दी। कृष्ण के मस्तक पर लगाने के लिए अपना पद धूलि देने में गोपियों के ऐसे आग्रह को देखकर नारद मुनि विस्मित हो गए। उन्होंने मन में सोचा कि ये सब सरल गोप बालिकाएं हैं, इनके पदरज श्री कृष्ण के सर से स्पर्श होने पर क्या पाप लगेगा, निश्चय ही इस संबंध में इनको कोई धारणा नहीं है। वे गोपियों से बोले, हे व्रज गोपियों, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसको अपने चरणों की धूल दे रही हो? भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा शिव आदि समस्त बड़े देवताओं, योगियों और महाऋषियों के भी पूज्य हैं। उन सभी महान पुरुषों ने भी कृष्ण के सर पर लगाने के लिए अपनी चरण धूलि देने का साहस नहीं किया है। वे लोग इसका परिणाम जानते हैं कि उन्हें नर्क जाना पड़ेगा। क्या तुम जानती हो कि तुम सबको ये फल भोगना पड़ेगा? ये सुनकर सभी गोपियों ने एक ही स्वर में उत्तर दिया कि हाँ, हम लोग इस अद्भुत व्यवस्था के विषय में जानती हैं। यदि कृष्ण के सर दर्द के निवारण हेतु हमें अनंत काल तक नरक यंत्रणा का भोग करना पड़े तो भी हम लोग खुश मन से यमराज से समझौता कर लेंगी एवं नरक चली जाएंगी। बदले में हम सिर्फ ये देखना चाहती हैं कि हमारे सर्वाधिक प्रियतम श्री कृष्ण, जो हमारे प्राण वायु स्वरूप हैं, अपने सर दर्द से मुक्त हो जाएं। उनकी खुशी ही हमारा जीवन है। कृष्ण को सर्वदा प्रसन्न देखने में हमारी प्रसन्नता है। कृष्ण का आनंद विधान ही हमारा आनंद है और इसके अतिरिक्त हम किसी दूसरे आनंद के विषय में जानते भी नहीं। यदि हमें नर्क भी जाना पड़े तो इससे क्या अंतर पड़ता है? वैसे भी हमने अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित किया है, लेकिन अब इस चर्चा में समय बर्बाद करना उचित नहीं। आपको यथाशीघ्र द्वारका चले जाना चाहिए एवं हमारे श्याम को ये धूलि दे देनी चाहिए। श्री नारद मुनि गोपियों की चरणरज अपने सर पर रखकर तुरंत द्वारका के लिए निकल गए। वे इस महामूल्यवान संपदा को लेकर जाते समय दिव्य आनंद में विभोर हो रहे थे। नारद जी जब द्वारका पहुंचे, कृष्ण मुस्कुराते हुए उनसे बोले, नारद जी, आप गोपियों की चरण धूलि ला दिए, अब मैं स्वस्थ हो गया, मेरा उपचार हो गया। नारद, जरा विचार करो, आप स्वयं को मेरा एक महान भक्त समझते हो, लेकिन शुरू में ही आप अपनी चरण धूलि मुझे क्यों नहीं दे सके? शायद अब आप जान गए कि वृंदावन की ये सरल गोपियां मेरी श्रेष्ठतम भक्त हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। तो ये है महिमा गोपियों के प्रेम की, उनमें भी श्री राधा रानी सार मर्म महाभाव की। कृष्ण कांतागण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पुरे महिषी गण आर, ब्रजांगणा रूप आर कांता गण सार, श्री राधिका है ते कंता गणेर विस्तार। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसियां तीन प्रकार की हैं, लक्ष्मियां, महिषियां और ब्रज की गोपियां। और गोपियां इन तीनों में सर्वोपरि हैं व ये सारी प्रेयसियां गोपियां राधा रानी का ही विस्तार हैं। तो आइए राधाष्टमी के इस पावन पर्व पर श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करें कि वे अपने कृपाशीर्वाद से हम सबको अनुग्रहित करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।